शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शिमला नगर निगम चुनाव के आए नतीजों में कांग्रेस ने 34 वार्डों में से 24 पर जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की है। उधर CPIM ने 1 वार्ड में जीत दर्ज की। शिमला नगर निगम में कांग्रेस की जीत पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। जो मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उस शिमला की प्रभुत्व जनता का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार नगर निगम में हमें पुनः काबिज होने का मौका मिला है। कांग्रेस की जीत पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की नीतियों और जनता के प्रति समर्पण की जीत है। इस भरोसे के लिए हम शिमला की जनता का धन्यवाद करते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने प्रगति की गारंटियां दी हैं। कर्नाटका की जनता से अपील है कि वो भारी बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनाए। वहीं सिर्फ 9 वार्डों में जीत दर्ज करवाने वाली पार्टी बीजेपी और हिमाचल के पूर्व CM जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। और जनप्रतिनिधि जो मैंडेट आया है, मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, देखिए इस चुनाव को कांग्रेस ने गवर्नमेंट आने के बाद बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। और मैं इस बात को अगर मैं कहूं, थोड़ा अलग लगेगा कि एक शिमला के लिए एक जिसको एक ऑर्गेनिक मैंडेट जो होना चाहिए, जो लोग शिमला में रहते हैं, शिमला को अपना मानते हैं, शिमला में रह करके काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शिमला में जो इस कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो काम पड़ते हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, उससे हट करके बहुत सारे लोग ऐसे वोट बनाए गए जो शिमला में रहते नहीं। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम के लिए 2 मई को हुए मतदान में करीब 59% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जो 2017 में हुए चुनाव से 1.2% ज्यादा है। और इस चुनाव में कुल 102 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें 9 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे।